एक समय था जब गरीब लोग सर्दी और गर्मी और बरसात में मौसम की सीधी मार झेला करते थे, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब गरीब लोग अपने पक्के घरों में चैन का जीवन जीते हैं। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है गरीब लोगों का। गरीब लोग अब बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण आवास में अपना जीवन गुजार रहे हैं। वहीं गरीब निर्धन लोग कहते हैं कि ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी शहरी आवास योजना के चलते। पहले झोपड़ी में रहते थे, पानी टपकता था, वो भी परेशानी में रहते थे। अब जब कमरे में आए, जब से मतलब थोड़ा बड़ा शांति मिली। अब तो मैं सही रह रहे हैं, अब तो ठंड में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत पड़ती थी, पहले ठंड लगती थी, रात लगते थे, पानी डालते थे घर में लेकर के। अब मौसम की मार का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, फिर चाहे वो कड़कड़ाती ठंड पड़े या चिलचिलाती गर्मी या फिर चाहे बरसात ही क्यों ना हो। अब वो इन सभी चिंताओं से मुक्त होकर अपना सुख चैन से जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि पहले उन्हें हर मौसम में काफी दिक्कत होती थी। सर, पहले तो ऐसा था कि हम किराए वगैरह पे पड़े हुए थे, और कुछ जैसे रोड पे झुग्गियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। ये जो लोग हैं गरीब तादाद के, जैसे सर्दी गर्मी और बरसात सभी मौसम उनको झेलने पड़ते थे इसमें गरीब योजना के हिसाब से। अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राज्य के योगी CM जी जो हैं, इन्होंने जो योजनाएँ निकाली हैं हमारे लिए शहर और देहात के लिए, उस योजना का काफ़ी अच्छा हमें परिवार को, जो इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं शाहपुर तिगरी, प्रधानमंत्री आवास शाहपुर तिगरी में जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं सब खुशी और खुशहाल का जीवन जी रहे हैं। पानी, लाइट और क्या नाम है, ये जो रोड वगैरह का जो MDA का काम है वो सब खुशहाल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ जैसे हमें ये मकान आवंटन मिले हैं, जितने गरीब परिवार यहाँ पे हैं रहने वाले आसपास पड़ोस में शहर में, जिन्हें सोने के लिए खाने के लिए नहीं है, वो सबको आवंटन किए जाएं। सर्दी के मौसम में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता था, ठंड में सिकुड़ सिकुड़ कर रात दिन बिताने पड़ते थे।